क्या आपने भी हाल ही में बिहार के मौसम में अजीब उतार चढ़ाव देखे हैं? कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं, कभी हल्की बारिश हो जाती है और फिर अचानक ऐसा लगता है कि आप सोना में हैं। तो असल में हो क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों में आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहे हैं, जिससे हल्की बारिश के साथ थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ज्यादा आराम मत कीजिए, उमस अब भी इतनी ज्यादा है कि गर्मी का एहसास और भी बढ़ गया है। दुर्भाग्य से बारिश सामान्य से कम हो रही है, जिससे औसत वर्षा में गिरावट आई है। कल ही 23 जुलाई को बिहार के कुछ हिस्सों में, जिसमें पटना भी शामिल है, हल्की बारिश हुई, लेकिन यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस महीने भी कहीं कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। भारी बारिश अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार सैटेलाइट इमेज बताती है कि अगले 48 घंटों तक बिहार में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अफसोस की बात है कि उमस भरा मौसम अभी भी जारी रहेगा। पटेल बताते हैं कि पिछले कई दिनों से बारिश की कमी हो रही है, जिससे औसत वर्षा में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि दक्षिण बिहार के पटना सहित कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। बादल और तेज हवा के कारण दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन यह अभी भी सामान्य से अधिक है। रडार और सैटेलाइट इमेज के आधार पर अगले 24 से 48 घंटों में पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और उत्तरी बिहार के एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। उमस भरा मौसम बरकरार रहेगा। आज 24 जुलाई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बाकी सभी जिलों में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इन 11 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि 23 जुलाई तक बिहार में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। केवल पश्चिम चंपारण, सीवान और किशनगंज में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि बाकी सभी जिलों में कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश की कमी समस्तीपुर, सहरसा और सारण में देखी जा रही है, जहां सामान्य से 50% से भी अधिक वर्षा की कमी है। फिलहाल सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में हुई है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।